कमलनाथ सरकार के कृषि मंत्री सचिन यादव ने बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में पहुंचे, जहां मंत्री यादव ने फसलों का निरीक्षण किया। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की कपास और सोयाबीन की फसलें बड़ी मात्रा में खराब हो चुकी हैं। ऐसे में कृषि मंत्री सचिन यादव और विधायक सचिन बिरला सहित आला अधिकारियों ने बड़वाह विधानसभा के गांवों में पहुंचकर खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री यादव ने बताया कि बारिश के कारण किसानों की जो फसलें खराब हुई उसका 100% किसानों को मुआवजा मिलेगा। फसलें नष्ट हो गई है और ये सब बातें भाई सचिन जी यादव साहब के अनुभव में नॉलेज में है। अभी पूरे खेत देख कर आ रहे हैं और गाड़ी में बात हुई है कि प्रत्येक किसान को फसल का मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित आज कर दिया गया है। और केंद्रीय दल ने प्रदेश के बारिश के कारण खराब हुई फसलों का आकलन किया, जिससे किसानों की करीब 10,000 करोड़ की फसलें खराब हुई। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से 11,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। अपने क्षेत्र में जाकर सर्वे करवाएं और उसके आधार पर केंद्र सरकार से भी सहायता राशि आने वाली है और प्रदेश की सरकार भी सहायता राशि देकर किसानों को मुआवजा देने का पूरा प्रयास। संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और पूरी सरकार किसानों के साथ है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में इस प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस दौरान पूर्व सांसद ताराचंद पटेल, जितेंद्र सोलंकी, प्रवीण शर्मा, SDM मिलिंद ढोके सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, सनावत।